उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लंबे समय बाद बुधवार को अपने गृह जनपद इटावा पहुंचे। यहां उन्होंने समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बने लायन सफारी का भ्रमण लिया। इस दौरान अखिलेश यादव के साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे और आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने तेज प्रताप यादव के साथ इटावा लायन सफारी की तस्वीरें ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, आज इटावा में तेज प्रताप यादव जी के साथ बिहार के उपेक्षित कोरोना व बाढ़ पीड़ितों के साथ ही बेरोजगारी से जूझ रहे युवाओं के मुद्दे पर चर्चा हुई। वहीं तेज प्रताप यादव ने अखिलेश के साथ फोटो शेयर करते हुए ट्वीट किया, अखिलेश सरकार में निर्मित किए गए इटावा सफारी पार्क का दीदार उनके साथ, विकास की नई बयार थी जब उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार थी। सर सफारी निरीक्षण करने गए हैं आप? हम निरीक्षण नहीं कर सकते, हम देखने गए हैं और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से समाजवादी सरकार में बना था और आगे जाए, क्योंकि जिस समय ये शुरुआत हुई थी तो हजारों की संख्या में लोग आए थे। कम से कम एक स्थान ऐसा बन गया जहाँ परिवार के साथ आया जा सकता है और जो जानवर दुर्लभ है, देखे नहीं जा सकते, उनको एक जगह देखने का मौका मिलता है। शेर जो जंगल का राजा है, उसका ये बहुत ही बड़ा सेंटर बना जा रहा है। मैं समझता हूँ देश का सबसे पहला सेंटर है जहाँ पर शेरों ने जन्म लिया है। इस जगह की पहचान किसी और वजह से थी, लेकिन आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि लायन सफारी इटावा के लिए एक गर्व की बात होगी। जिस तरह से शेर प्राइड है हमारा, इसी तरह इटावा के लिए लायन सफारी भी हमारे बहुत सम्मान की बात होगी। हमें उम्मीद है ये लायन सफारी दुनिया के मानचित्र पर दिखाई देगी। आपको बता दें कि सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के भतीजे तेज प्रताप सिंह यादव की शादी लालू प्रसाद यादव की सबसे छोटी बेटी राजलक्ष्मी के साथ हुई है। इस तरह मुलायम लालू के संबंधी हैं। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपनी बहन के यहां सैफई आए हुए थे। अखिलेश यादव भी सैफई में मौजूद थे। यहीं से दोनों इटावा लायन सफारी देखने पहुंचे थे। न्यूज डेस्क।